अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुपर पिगमेंटेड हाइलाइटर पैलेट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ और इसके साथ ही आइकॉनिक के लिक्विड हाइलाइटर्स का भी रिव्यू शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, आपको मार्केट से भी आराम से मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ये दराज से भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 5 कलर के हाइलाइटर्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाले शेड्स हैं। आप देख सकते हैं सिल्वर है, गोल्डन है और पिंक है। अब मैं आपको अपने हाथ पर इसके स्वाचेस करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे फिंगर पर भी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है और ये बहुत ही इजीली अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी आप लोगों के साथ ऐसी हाइलाइटर पैलेट शेयर किया हुआ है, वो भी राउंड शेप में ही है और उसमें ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक लगा दूँगी। ये पैलेट उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये आपको 400 to 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। इनकी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पाउडरी और चौकी पिगमेंट नहीं है और ना इन हाइलाइटर्स का ज़्यादा फॉल आउट होता है। और अगर आप अपना ब्रश बैठ करके इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर तो उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा और आप इन हाइलाइटर्स को अपने आई मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप क्लोज से भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे पिगमेंटेड हाइलाइटर हैं ये। और अगर आपने न्यू सैलून ओपन किया है और आप न्यू काम अपना स्टार्ट किया है तो आप इस तरह के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है। आप इसे अपने पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप्स में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको आइकॉनिक लंदन इल्यूमिनेटर भी दिखा देती हूँ। ये लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, ये इस तरह ग्लास बॉटल में आता है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और ये इस तरह इसका ड्रॉपर भी है ताकि आप इसे इजीली अप्लाई कर सकें। मैंने इसके 2 शेड्स लिए हुए हैं, एक है सिल्वर और एक है पिंक। मैंने ये ऑनलाइन दराज से बाय की है और इसमें ये सिल्वर, गोल्डन और पिंक शेड ये अवेलेबल थे उनके पास, तो फिर मैंने ये पिंक और सिल्वर लिए थे। ये मैंने 270 रुपीज़ का लिया था तो ये आपको 300 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका स्वैच भी करके दिखाती हूँ तो आप देख लें, ये बहुत ही सुपर पिगमेंटेड हाइलाइटर है और इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होती है, इसका एक ड्रॉप भी जो है ना वो इनफ है। ये वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग है और इसको अप्लाई करने का एक और तरीका ये भी है कि आप अपनी फाउंडेशन में इस लिक्विड हाइलाइटर के कुछ ड्रॉप्स डालें और फिर इसको मिक्स करके जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ग्लोई और शिमरी फाउंडेशन बन जाएगी। और आप इसको एज इट इज़ भी अपने फेस पर हाइलाइटर की तरह भी अप्लाई करें, अपने नोज़ पर, चीक बोन्स पे, और आप इसको अपने आई मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पिंकी शेड का जो नेम है वो है ब्लॉसम और ये अप्लाई करने के कुछ सेकंड बाद ही इस तरह ड्राई हो जाता है, देखें। अब मैं सिल्वर शेड भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और इस शेड का नेम है शाइन। ये भी बहुत ही प्रिटी सिल्वर शेड है, आपने इसको अप्लाई करते ही फ़ौरन ब्लेंड कर लेना है क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपकी स्किन में ब्लेंड नहीं होगा। आप देख सकते हैं आइकॉनिक लिक्विड हाइलाइटर्स का रिजल्ट भी बहुत ही ऑसम है, ये बहुत सुपर पिगमेंटेड हाइलाइटर है और जो पैलेट वाले हाइलाइटर हैं 5-in-1 वो भी बहुत ही पिगमेंटेड है। और इस हाइलाइटर पैलेट की कंपनी का नेम है AS एशले शाइन। आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।